आपका नाम? हम सब एनएचएम कर्मी हैं और हम पीएचएम पद पर डिफरेंट राजस्थान में अलग अलग यूपीएससी जो डिस्पेंसरीज हैं उनमें मैनेजर पद पर कार्यरत हैं। और दयनीय स्थिति ये है कि हमारी इतने सालों से सारे एनएचएम कर्मियों की जो मानदेय हैं बहुत ही कम है, ताकि हम अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं। सब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी रह रहे हैं, गाँवों में भी रह रहे हैं, शहरों में भी रह रहे हैं। अब हम जिस फील्ड में है, जिस डिपार्टमेंट से है, वो मेडिकल डिपार्टमेंट है। सर आप देखते हैं रोज़ नई नई इमरजेंसी, नई नई बीमारियाँ, नए नए आपकी हमारी रिपोर्ट, सब काम हम एक छोटे से मानदेय पर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो अब सरकार है, पिछली सरकार ने जो किया उस वजह से हम बहुत परेशान हैं। लेकिन जो अब सरकार आई है उससे हमें पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी किया था और इस बार भी उनके घोषणा पत्र में एक फ्रिक्वेंटली लिखा हुआ है कि वो एनएचएम, उसमें एनयूएचएम और एनआरएचएम पर विशेष टिप्पणी करके कहा है कि हम उनको कुछ ना कुछ करेंगे, उनका मानदेय और उनके परमानेंट करने पर पूरा काम किया जाएगा। लेकिन सरकार बनने से अब तक हमें कोई ठोस कर्म, उनकी कमेटी भी बन गई लेकिन उसमें कोई ठोस कर्म हमारे पास नहीं आए हैं। यहाँ इकट्ठा होने का आपका क्या कारण? हमारा कारण सर ये है, मुख्य कारण यहाँ इकट्ठा होने का, कि हम उनको बता रहे हैं कि हम इतने हैं राजस्थान में, 6 से 7 हज़ार के बीच में एनएचएम कर्मी हैं। हम सब जितने इकट्ठे होकर काम करते हैं, अब 10 से 12 हज़ार लोग या 6-7 हज़ार एनएचएम के हैं, वो सब मिलकर हम इतना काम कर रहे हैं। तो उनको बताना चाहते हैं कि ज्ञापन दे रहे हैं कि उनको संदेश है कि हम आपको एक रिक्वेस्ट है सबसे कि हमारा जो पॉइंट है, दोनों बात करो, हमारा जो समायोजन को कहा था उन समायोजन करना और हमारा पूर्ण करना, वो इंक्रीमेंट वाली चीज है, वो पूर्ण करें। हमारी सरकार से जो अप्रूव हुआ है 15% की, वो सब कुछ पूर्ण करें, वरना हम अभी तो एक रिक्वेस्ट है, वरना 15 मंगलवार से हम एक निश्चित कालीन हड़ताल पर जाएंगे और जरूर जाएंगे। हम सबका ये भीड़ इकट्ठी हुई है, सबका कहना है ये पूरे राजस्थान से आए, पूरे राजस्थान से आए सर, पूरे प्रदेश से हैं ये सब, और उनके प्रतिनिधि हैं, ये पूरी भीड़ नहीं है, राजस्थान से हर जिले से कुछ कुछ प्रतिनिधि हैं उनके, हर केडर से लोग आए हुए हैं। और दूसरी बात, पूरे प्रदेश को जब हम बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं तो हम कर्मचारियों के लिए सरकार क्यों नहीं बेहतर सुविधाएं दे सकते? नाम क्या सर? अनुपमा पारिक।